सभी समस्या का समाधान वशीकरण स्पेशलिस्ट, जी हाँ किया कराया हर तरह की समस्या का समाधान करेंगे। लव मैरिज स्पेशलिस्ट हैं, 2 घंटे के भीतर सभी समस्याओं का समाधान करके देंगे। कॉल लगाइए पंडित ऋषि राज महाराज को, आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बात करें पंडित ऋषि राज महाराज जी से। तो देर किस बात की, तुरंत कॉल लगाएं इस नंबर पर। ये नंबर है +917340611557। तो आज आपके लिए मिट्टी से करने वाला बहुत ही असरदार वशीकरण का मंत्र बता रही हूँ। जी हाँ, मिट्टी से दोस्तों आपको ये उपाय करना है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो अपने काम से भी परेशान हैं और अपने परिवार से भी परेशान हैं। अपनी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं, अपने एक तरफा प्यार को जीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं होती है या फिर उनका प्यार उनसे बात नहीं करता, उनसे रूठ गया है। तो उसे अगर वापस पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसा एक वशीकरण आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत असरदार है, अचूक भी है, जिसके उपयोग से अपने रूठे हुए प्यार को आप अपने वश में कर पाएंगे और जिसे आप चाहते हैं अपने वश में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं, इस विधि को आपको शनिवार की रात 12 बजे करना है। जी हाँ, शनिवार की रात, उसके बाद उस इंसान को जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसके पैरों की मिट्टी आपको लानी है। अब आपको कुछ सामग्री लेनी है, 50 ग्राम काली उड़द और सरसों का तेल लेना है और 11 लौंग लेनी है, 1 नींबू लेना है और 1 पीपल का पत्ता लेना है। याद रखें, पीपल का पत्ता कहीं से भी कटा फटा ना हो। पीपल के पत्ते को गंगा जल से अच्छे से धो लें। उस पत्ते पर आपको उस आदमी या औरत जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम और उम्र लिखनी है। अब आपको उड़द को कूट कर बारीक करना है। बारीक होने के बाद उसमें उस इंसान के पैरों की मिट्टी, सरसों का तेल मिलाना है। नींबू को 2 टुकड़े में काटना है, फिर नींबू को निचोड़ कर उसका रस उड़द और तेल के साथ मिलाना है। उसके बाद आपको वशीकरण का मंत्र पढ़ना है 121 बार। मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको उड़द का लड्डू बनाना है। उसके बाद 11 लौंग आपको उड़द के लड्डू में लगा देनी है। 1 लौंग लगाने पर आपको मंत्र पढ़ना है और उसके बाद दूसरी लौंग को लगाकर मंत्र पढ़ना है। ऐसे आपको 11 लौंग लगाने हैं। उसके बाद उस लड्डू को पीपल के पत्ते पर जिस तरफ नाम लिखा हो रख कर एक लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना देनी है। उसके बाद उस पोटली को उसी पीपल के पेड़ के नीचे 1 फीट गड्ढा खोदकर दफना देना है। दोस्तों, ये इतना शक्तिशाली वशीकरण का उपाय है जो आपकी जो भी वशीकरण आप करना चाहते हैं वो जरूर हो जाएगा। तो मंत्र जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये बात करें पंडित ऋषि राज महाराज जी से। तो देर किस बात की, तुरंत कॉल लगाएं इस नंबर पर। ये नंबर है +917340611557।